द्वारा एक बार और प्रियांक हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कैच लाइफ विद अस। और प्रियांक ने भी हेलो कर दिया है। तो जैसा कि आप लोग इससे पहले वाली हमारा ब्लॉग देख चुके हैं कि हमारा बर्थडे था और हमने रात 12 बजे केक काट लिया है। तो अब 4 तारीख को दिन में हम लोग घूमने के लिए निकल चुके हैं, लेकिन अभी थोड़ी दुविधा में है एक्चुअली में हम कहाँ जाएँ। डॉक्टर साहब ने भी 2-3 जगह सजेस्ट कर दी हैं जो कि दिल्ली में है, लेकिन मेरे को दिल्ली जाना अभी अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि दूर है इस वजह से। और बाकी मैंने नोएडा में भी कुछ सजेस्ट किया है कहीं जाने के लिए। तो अभी चलते हैं, रास्ते में कहाँ पहुँचते हैं, कहाँ का फाइनली डिसाइड होगा अभी गाड़ी में बैठ के, वो हम आपको वहाँ पहुँच कर बता देंगे। हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ क्या बने रहिए, ये कहने का मतलब उसका हाँ तो इसका कहने का मतलब है कि हाँ बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए और हमारी पूरी वीडियो को देखिए। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये जो वीडियो बनाई जा रही है, जो मैंने रात डॉक्टर साहब को फ़ोन गिफ्ट किया था उससे बनाई जा रही है, तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि हमारी जो वीडियो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हुई है या नहीं हुई। अभी मेरे पैसे जो मैंने डाले उसमें वर्थ रहे या नहीं रहे, बताइएगा। हम कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से भी कोशिश कर रहे हैं और सीए साहब भी कोशिश कर रहे हैं अपनी हार्ड अर्न्ड मनी इन्वेस्ट करके कि वीडियो क्वालिटी को अच्छा कर सके, चैनल को अच्छा कर सके। तो प्लीज़ आइडियाज भी दीजिए और थोड़ा सपोर्ट भी कीजिए। सपोर्ट तो बहुत जरूरी है। हाँ, बर्थडे है आज हमारा और हमें विशेष भी दीजिए अच्छे और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और प्लीज़ बताइएगा कि चैनल इस फ़ोन से हमारी वीडियो कैसी बन रही है। और बाकी प्रियांक से बात करिए। प्रियांक बोलो, किसका बर्थडे है? किसका बर्थडे आज और किसका है? यही वाला कट है नहीं, आगे और मम्मी का भी है। तो चलिए गाइस, आप लोग बने रहिए इस ब्लॉग में और देखते हैं हम लोग फाइनली कहाँ पहुँचते हैं। आपको डेस्टिनेशन पे पहुँच के हम मिलते हैं। ऊपर बनता है मॉल, ये वही हमारा पुराना दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस। ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है, बहुत सुंदर, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। और ये देखिए बादल कितने अच्छे लग रहे हैं ऊपर। आज धूप निकली है इतने दिनों के बाद, वरना तो धूप बारिश यही इस वेदर की वजह से मेरी आवाज भी बदल गई है। हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, वो आप लोग पहचानिए कहाँ है, कौन सा मॉल है। ये देखिए हम हैं डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया, डीएलएफ हम पहुंच चुके हैं। ये हमारी एंट्री हो रही है पार्क, अभी गाड़ियां चेक होती है यहाँ पे। ये हम लोग अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाकर, और देखो ये दोनों के दोनों प्रियांक और ये जा रहे हैं, पार्किंग में गाड़ी लगा दी और अब हम मॉल में एंट्री कर रहे हैं। यहाँ से पार्किंग से मॉल में एंट्री कर रहे हैं। तो आगे पहुँच कर अभी मॉल देख सकते हो।
ऊपर जा रहे हो हम लोग। वही दिखा रही हूँ मैं, आ चुके हैं, बैठ चुके हैं और हमारी मील आ चुकी है बर्गर किंग की। तो हम लोग आए थे DLF मॉल ऑफ इंडिया नोएडा। सोचा था कि स्नोवर्ड जो बर्फ में स्केटिंग वगैरह होती है उस सब के लिए प्लान करके तो आए थे। गाड़ी में बहुत डिसाइड किया, बहुत जगह जगह के बारे में सोचा, तो फिर यहाँ का प्लान किया। एक बार पहले भी आ चुके हैं, तब भी कोविड की वजह से बंद मिला था। किड्स एरिया भी बंद है, जो किड्स प्ले एरिया होता है वो भी बंद है, और जो आइस वॉल के लिए आए वो भी बंद है। तो क्या कर सकते हैं, बंद है तो बंद है, पर पेट में भूख लगी है तो उसके लिए ये सीए साहब ला चुके हैं। और स्टार्ट भी कर दिया उन्होंने खाना, क्या क्या है इसमें। हमने बर्गर किंग से मील ली है, उसमें है हमारा वेज बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, फ्रेंच फ्राइज और आइसक्रीम दिखाई दे रहे होंगे। तो यही हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रियांक प्रियांक क्या कर रहे हो, साफ कर रहे हो? अच्छा चलो, तो हम लोग इस चीज़ को इंजॉय करते हैं। अभी जो चीज़ बंद मिली है वो तो मिली ही है, पर इसको इंजॉय करने के बाद देखते हैं और कहाँ जाते हैं क्या करते हैं। पर जिसके लिए आए थे वो हमने आपको बता दिया बंद है, तो अभी पहले खा पी ले फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं दोबारा। कैसा है स्वाद, कैसा है बर्गर? प्रियांक फ्राइज कैसे हैं? अच्छे, यम्मी, मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। और क्या खाओगे, क्या खाओगे बताओ? आइसक्रीम, आइसक्रीम। तो इन लोगों ने तो अपना बर्गर और फ्राइज इंजॉय करना स्टार्ट कर दिया है, अब मैं भी स्टार्ट करती हूँ फटाफट। तो चलिए बने रहिए, आगे देखते हैं क्या करते हैं, वही आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है? तो गाइज अब हम लोग DLF मॉल से शिप्रा मॉल आ चुके हैं, क्योंकि DLF में जैसा बताया आपको स्नोवर्ड नहीं मिला था और ना वहाँ का किड्स एरिया चालू था, तो हम यहाँ शिप्रा मॉल आए हैं और अब देखते हैं शिप्रा मॉल में कुछ ओपन मिलता है हमें या नहीं। तो अभी हम लोग एंट्री कर रहे हैं और अगर किड्स वगैरह एरिया मिलता है, किड्स एरिया ओपन, तो आप लोगों को हम फिर दिखाएंगे अंदर कैसे कैसे क्या हो रहा है। और ये हमारी एंट्री हो चुकी है शिप्रा मॉल के लिए, और ये देखिए तो गाइस देखिए हम लोग आ चुके हैं शिप्रा मॉल में, यहाँ पे किड्स प्ले एरिया चालू है। तो अब प्रियांक अपनी राइड के साथ रेडी है, तो चलिए देखिए प्रियांक की राइड देखते हैं कैसी होती है। ये देखिए प्रियांक, प्रियांक हेलो, डांस आ चुका है किड्स प्ले एरिया में सबसे पहले, चश्मा रख के अपना। ये देखिए आ घोड़े चल रहे हैं,
मैं आ जाऊं? ये छोटे बच्चों का है, इसमें से निकलो, बीच में से, यहाँ से निकलो, यहाँ से निकल पाओगे? निकलो, निकलो वहां से। उधर जाओ, उधर, इधर गिर जाओगे। ओहो, ये गाड़ी कहाँ जा रही है? पैरों से चलाओ अपने। आ जाओ, चलाओ अपने पैरों से, चलाओ। आ, ये तो मेरे पे टक्कर मारेगी। फोन आ रहा है। हाय प्रियांक, तुमको कैसा लग रहा है यहाँ पे? कैसा लग रहा है? अच्छा। दोबारा आने का मन है? हाँ है। हाँ है। अब बाहर कैसे आया जाएगा? ओए, ये तो चल रही है। ये क्या हो गया? ये तो चल रही है। प्रियांक बाहर कैसे निकल पाएगा? ओहो, अभी निकल पाएगा? ओ ये प्रियांक निकल गया फाइनली। अब दूसरी वाली में, इसमें ये तुमको सबसे अच्छी लगी है? अभी हम लोग बैठे हुए हैं किड्स प्ले एरिया में, तो प्रियांक को शिप्रा मॉल में किड्स प्ले एरिया खुला मिल गया था, तो यहीं पर ही प्रियांक खेलने में, मस्ती करने में आपको दिख रहा होगा लगा हुआ है। अभी तक भी आपने वीडियो में देखा होगा। तो यहाँ पर प्रियांक की मस्ती के बाद अब हम लोग जाएंगे घर की तरफ, और घर पर जो भी करेंगे वो आपसे दूसरे ब्लॉग में शेयर करेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो यहीं पर एंड करते हैं। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू, बाय बाय।